गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा यहाँ सेकेंड डे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जगराता है, तो सुबह से ही तैयारियाँ उसकी लग गई है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ खास नहीं होता क्योंकि अभी तैयारी चल रही है जहाँ पे जगराता हो रहा है। ये देखिए, नीचे आपको शामियाना दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ही शाम को जगराता होगा। उससे पहले शाम को 5 बजे जोत लेने जाना है किसी मंदिर। तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं है, मैं आपको दादू से पूछ के बता दूंगी। तो शाम को मिलती हूँ। अभी तो यहाँ पे गर्मी बहुत है, उफ बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर का टेम्परेचर तो हमारा ठंडा है बिल्कुल, और यहाँ पे तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और धूप भी बहुत है। थोड़ी बहुत और भी तैयारी चल रही है नीचे, जैसे खाना बनाना वगैरह बहुत कुछ है नीचे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हलवाई अभी नीचे खाना बनाने लगे हुए हैं। इनके पहले भंडारा होता है यहाँ पे, उसके बाद होगा जगराता। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो शाम की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ये हलवाई है, ये खाना बना रहे हैं। तो ये जोत के लिए गाड़ी जा रही है, तो इसमें चाची गंगा जल छिड़क रहे हैं क्योंकि ये जोत की जोत लानी है, तो पवित्र होनी चाहिए वो गाड़ी जिसमें जोत आनी है। ये आप किस दे रहे थे, मतलब आम के पत्ते? आम के पत्ते इससे जुब नहीं होती आपको? शुभ होता है। अच्छा, शुभ होता है। तो चलो अब चलते हैं अंदर, जूत लेके आएंगे। अब बोला बोल। अभी हमने पूजा की जगह रख दिया है। हाँ, अभी जब जूत लेकर आएंगे फिर हम फिर से उनके आगे आगे गंगा जी छिड़क छिड़के। अच्छा, लेके आएंगे। तो ये मंदिर है, यहाँ पे चाची ने जो ग्लास अभी गंगा जल का था वो यहाँ पे रख दिया है। तो अब थोड़ी देर बाद जाएंगे हम बाहर। अब टाइम हो गया है 5:30 हो गया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था सुबह की जोत लेने जाना पड़ता है, तो चले गए उन। अभी तो थोड़ी देर में जोत लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद जागरण स्टार्ट होता है। तो जागरण इनके ऐसे होता है जैसे हमारे खेन होती है, जैसे हमारे देवी देवता को मानते हैं, तो इनके भी कुलदेवी है बाला सुंदरी, उनके नाम पे करते ही जागरण। और सुबह 4 बजे तक उठना पड़ता है जागरण में। वैसे कंपलसरी नहीं है, बट आप अपनी इच्छा है आपकी। चाची बोल रहे थे और आपकी इच्छा है, आप जब तक उठ सकते हो। बट बोल रहे थे कि माता रानी की जब तक कथा नहीं सुनते 4 बजे, तब तक मतलब जागरण में उसके आने का फायदा ही कोई नहीं है। तो उठे तो रहना ही पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ अभी पता नहीं कितने बजे तक उठ पाऊंगी। जागरण तो 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब जोत 6 hours later अभी जोत लेके आने वाले हैं। और उनके आने से पहले, जोत के आने से पहले कीर्तन चल रही है यहाँ पे। तो चाची तो हमारे देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे साड़ी में। मैं अभी तैयार नहीं हुई, थोड़ी देर में हो जाऊंगी। और माता रानी के स्वागत के लिए मेरे चाची ने देखिए कितना सुंदर माल लिखा है फूलों से। हाँ, अभी थोड़ा राव है ये। क्या तो नहीं, ये देखिए, ये मेरी बुआ है, इनको फीवर है, बट ये मुझसे मिलने आया है ना। पता था इनको कि मैं आने वाली हूँ। देखो कितने दूर से आया है मुझसे मिलने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत पतली हो गई, स्ट्रेस पड़ गया बुआ। अभी जोत आने वाली है वो, आप तो तैयार होने पड़ेगा आपको थोड़ी देर में। तू ऐसे नहीं, मैं नहीं, मैं भी तैयार हो जाऊंगी। हाँ चलो, तो चलो चलते हैं अब अंदर को। मैं आपको कीर्तन दिखा देती हूँ थोड़ी। बुआ बीमार है थोड़े से, तो बेचारे फिर भी आएगी। ये देखो चाची ने पूरा कंप्लीट कर दिया है यार, कितना अच्छा बना है। तो चलिए अंदर चलते हैं अब। तो अभी देखिए ढोलक भी आ गया है, ढोलक के साथ अच्छे से होगी कीर्तन माता रानी के स्वागत के लिए। ये जो ये कीर्तन हो रही है यहाँ पे अभी। तो अभी देखो दादू जोत लेके आ गए। तो अब चाची, जैसा मैंने आपको बताया था कि शुद्धिकरण के लिए फिर से जा रहे हैं। जय माता दी। देखिए जोत, जय माता दी।
ये बुझ लीजिए ना जो तो इस जोत से दूसरी जोत कब चलाएंगे हम? रात को। रात को? अच्छा, फिर ये भी रहेगी और वो भी, दोनों। तो अभी मैंने बताया था कि भंडारा होता है पहले, फिर झगड़ा का स्टार्ट होगा। तो अभी हम सब लोग भंडारा खाने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी बुआ की लड़की है। हेलो गाइस, इसका नाम अबू है। हम खाना खाने आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ है, हम दिखाते हैं आपको। अभी हम पहुँच गए वहाँ पे। तो परे तो इतनी भीड़ है, मैंने आपको दिखाया जैसा कि वहाँ पे तो खाना मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, तो यहीं पे बैठ के खाना पड़ रहा है। फिर आपको मैं जागरण का दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद भी तैयार नहीं हुई, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अभी तो 8 बजे है, अभी तो भंडारा ही शुरू हुआ है, 1 घंटे का तो ही चलेगा। 10 बजे जागरण स्टार्ट होगा, क्योंकि आप भी देखने के लिए एक्साइटेड तो हो गए जैसे कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसा होता है। मैं तो खुद भी पहली बार आई हूँ, मुझे तो भाई यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा तैयार होने का। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मौका ना मांगना पड़ता है। नहीं, 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 नहीं। मौका मांग के थक गई, बट हमने मांगा। मैं के बीच में काम वाली भाई नहीं, बिल्कुल मैं और चाची लग रहे भाई और सबसे ज्यादा टाइम लगाया इन्होंने। दीदी ने तो अच्छी लग रही है, कर दे रही है अपने घर। तो जाओ, जिसका नाम देती जा रही है। ये जिम्मेवार इंसान है ना, थके हुए होते हैं ऐसे। मामा को देख के लग रहा है सिर्फ काम करने आए हैं, और इनको देखे शाबाश। हम गेस्ट हैं। गेस्ट तो मैं भी थी ना, गेस्ट तो मैं भी थी ना। ऐसे बन गई मेरे को, ऐसी बन गई मेरे साथ। आप एक दिन रुको, वो जल्दी आ गई तो गेस्ट हो गई। नहीं तो यार, पुरानी मुझे याद आना था। कर दो। तो रितु बुआ तो तैयार हो गया, बेबी बुआ का पता नहीं मुझे। नहीं, अभी और भी टाइम लगेगा इनको। नहीं, मैं तैयार हूँ। लगनी ना, आपके बाल तो सारे आगे आ गए। फैन कर लो बंद। 2 घंटे की मेहनत खराब हो गया। हाँ वही बोल रही हूँ, फैन कर दो बंद, नहीं तो जितनी बार भी मैं इनको देख लू ना, उतनी बार मेरे को इनमें चेंजेस। अब दुपट्टा लगा लिया, मेरे को लगा इसके साथ दुपट्टा नहीं है, बट अभी दुपट्टा भी लगा लिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हो आप, मेरे को भी बता दो। फाइनल लुक सबसे आपको देखे ना, सब हैरान रह जाएंगे आज कि शादी में आई है कि जागरण में आई है। मैंने बहुत पैक कपड़े डाले हैं, तो बहुत सब में हैरान रह जाएंगे। भाई तो बहुत रिवीलिंग पहनी थी, नहीं नहीं भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया। अबू ने ये हेयर स्टाइल किया है और बड़ा ही अच्छा है। अगर कोई किसी ने करना हो तो इसको बोल दे। अच्छा क्या है यार, यार आपका हो गया है दीदी, यार प्लीज खत्म मत करो यार। सबसे सिंपल तो हम दो है, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, बाल बनाए और बैठ के मेहनत नहीं पूछ रहे कि हमें मेरा नंबर तो नहीं आएगा अभी। मुझे तो बाल भी बनाने हैं, बहुत कम है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि मैं जागरण पे पहुंच भी पाऊंगी आज। पता नहीं क्यों, इन लोगों को देख के मुझे बिल्कुल भी तो फाइनली मेरा नंबर आया है अब। और अब वो अभी गायब हो गई थी कहीं, उतने को पता बेबी वो उन्होंने रितु माना ना मेरे को शाहरुख खान बना दिया था आगे यार। बाकी तो ठीक है, मेरे को चुड़ैल मत बना लेना, नहीं तो परी बनाऊंगी। परी बनाऊंगी उसे मैं, जागरण में जाऊं या ना, परी बनाना पर पापा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मतलब यहाँ पे अगर शादी में, हाँ तो देखो थोड़ी सी तो मैं शायद थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी नहीं, बहुत तो नहीं, बहुत तो नहीं, बट थोड़ी आप तो बहुत सुंदर हो ना यार, आपकी जितनी मैं कहाँ तैयार थोड़ी सी हो ही गई हूँ मैं। अभी मेरे थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जागरण हम आपको दिखाएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है वो। तो आप जागरण से पहले हम जा रहे हैं एक घर से दूसरे घर, और शिवम हम जा रहे हैं बुलेट ट्रिप खाई है। और मैं पहली बार बैठी हूँ बुलेट पे, दिखाऊं क्या, यहाँ पे लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं कम है। फ्लैश की हेल्प से हम लोगों भी रिकॉर्ड देखो हम तो, मैं पहली बार, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है भाई। अरे हमें यही नहीं पता, क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, हम वहाँ से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। हम सामान लेके आएंगे, फिर आपको जागरण दिखाएंगे।
later. ये मेरे फूफा जी हैं और मेरी मौसा जी हैं। अब तो चलिए अब जगराते को जा रहे हैं हम, क्योंकि हम वापस आ गए हैं, हम किसी काम से गए हुए थे, तो अब चलते हैं जगराते हैं। जागरण में आपको आगे हाँ चलो। ये जागरण की झांकियां है जो कि बीच बीच में दिखाई जाती है। तो अभी हम लोग रील्स बना रहे हैं। यार ये क्या है, मैं भाई पागल मेहंदी यार, सच में मेहंदी जागरण पे तो मैं ज्यादा बैठ नहीं सकती, तो हम लोग थोड़े से फ्रेश होने आए थे। और स्वीटी जी ने कैटरीना कैफ, हम थोड़ा रील्स बनाए, कह रहा मैंने कैटरीना कैफ का ये, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो हम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे जो कि कोई है नहीं बनाने वाला, अब एक तो बन गई बड़ी मुश्किल से, अब क्या करें, स्टैंड से बनाएंगे। चलो अब हम कैसे ना कैसे बनाएंगे, पर बनाएंगे जरूर। तो हम थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि जागरण में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, उठ भी सकते हो वैसे बीच में, अपनी मर्जी है, बट 4 बजे तक हम उठ पाएंगे कि नहीं उठेंगे हम 4 बजे, जब नहीं जाएगी तो रील बनाने के लिए आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। अब हिम्मत नहीं बोलने की, तू मेरी दुश्मनी है, ऐसे बन सारी बुआ को गुस्सा आ गया। तो अभी हम लोगों को डांट पड़ी है, हमें जागरण के लिए बुलाया है क्योंकि बुआ बहुत गुस्सा हो गए। अब तक ये किसी की बेटी बहन भतीजी, लेकिन अब ये साक्षात माँ दुर्गी माँ वैष्णो रूप है। आइएगा सभी ने आकर माथा टेकना है महामाई के चरणों में, और जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हो तभी आना है, सच्चे मन से इस माँ को माँ मानकर जो भी माथा टेकना चाहते हैं वो आ सकते हैं। पहले हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, आप सोचेंगे
कहाँ आ गई है क्योंकि मैं आपको तारा रानी की कथा तो नहीं सुना पाई। मैं वैसे उठी तो 4 बजे तक थी बट मेरी बुआ जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले आए तो मैं आ गई थी उनके साथ। जबरदस्ती नहीं है, मैंने बुलाया ना मैसेज कर करके। मैंने सोचा अब्बू मुझे कहाँ भी ले गया अब तो चलती हूँ। अब तो बता रही 3-4 साल बाद हम मिलते हैं। तो ये तो बहुत छोटी थी जब मेरे घर आई हुई थी तो मैंने सोचा इस बार मैं चलती हूँ उसके घर सी अम्बाला लेके आ गए तो मैं उनके साथ आ गई हूँ क्योंकि मुझे अब्बू बहुत मैसेज करी थी जल्दी आ गई थी वहाँ से तो मुझे यहाँ आना पड़ा तो तारा रानी की कथा मैं नहीं सुन पाई। तो आगे का मैं आपको अब दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। अभी तो हम सोए हुए हैं सारे क्योंकि आपको पता है जागरण में 4 बजे तक उठना पड़ा जो उसका तो ये अबू तो जल्दी आ गई थी इसकी नींद तो हो गई थी पूरी बट कैसे हुई थी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी कैसे हो गई थी सोए हुए अभी और हम भी सो रहे हैं बस। बाकी का आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए क्या क्या मस्ती की। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।